और भाई देखिए, जैसे ही आप लोग दिमापुर स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे रोटी और पराठा। क्या भैया, पराठा मिलता है एकदम सस्ता सुविधा में ना? अच्छा, और ये भी लोग लगता है बिहारी है क्या? वाह, पटना पर ही। वाह, तो देख सकते हैं गाइस, आप लोग खाना पीना की व्यवस्था एकदम बिल्कुल टाइट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, पराठा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगा, ये सारा कुछ। मुझे तो मालूम नहीं था, बट ये भैया लेकर आए, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था। चलिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आप लोग को दूंगा। ले ले भैया खाना, और देख सकते हैं यहाँ पे पराठा एकदम। चिकन उकन भी मिल जाता है क्या यहाँ पे बना हुआ ना? काफ़ी अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे मुझे नहीं पता था जो हाँ मतलब इस साइड भी दुकान होगा और इतना अच्छा मिल जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे ही दिमापुर स्टेशन से आप लोग बाहर निकलोगे, जस्ट हाँ ये यहाँ पे एक मस्जिद भी है क्या? मंदिर के बगल। अच्छा, ये मंदिर है ना। ये रहा मंदिर भाई, आप लोग देख लो, मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। इसी गली में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ये रही आप लोग को स्टेशन। तो चलिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी दिखाएंगे, बाकी की थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देता हूँ दिमापुर स्टेशन भाई कैसा है। आप लोग को थोड़ा सा देख लो, ये रहा, बाद बाकी अभी ट्रेन का टाइम भी हो रहा है मेरा, तो चलते हैं अभी, क्योंकि कोई बड़ा स्टेशन सब नहीं है, अपना पटना जंक्शन से भी छोटा है। यहाँ पे सिर्फ दो प्लेटफॉर्म होगा क्या जी? चार गो वही ना। देखो भाई, यही है प्लेटफॉर्म दीमापुर में। स्वागत है आप सभी का। लैंग्वेज की बात रही थी, लैंग्वेज तो यहाँ पे सब समझता है क्या? हाँ, मणिपुर। तो चलिए, जो सो गाइस फाइनली देख सकते हैं, यही है दीमापुर स्टेशन का एक बाहर का गेट। इस साइड आप लोग को एक मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, और जस्ट आप लोग को सामने में दीमापुर स्टेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और हमारे आन वान शान तिरंगा झंडा देख सकते हैं, बिल्कुल लहरा रहा एकदम ऊँचा सीना करके। बाद में कि ये दीमापुर का है, इस साइड जो है आप लोग को पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगा, इधर ऑटो स्टैंड देखने के लिए मिल जाएगा, थ्री पार्किंग, ये सारा कुछ जो है इस साइड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बाद में कि इस साइड फोर व्हीलर टैक्सी हो गया, वो सारा कुछ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और अंदर में जो है वो दीमापुर स्टेशन है। देखिए, कुछ इसी तरह का जो है दीमापुर स्टेशन लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और मणिपुर में रेलवे लाइन है नहीं, तो जो भी कोई आते हैं तो दीमापुर ही आते हैं। और ये रहा तिरंगा झंडा, और एक उस साइड भी मंदिर है। बस यही सारा कुछ है दीमापुर में। बनाने का मन तो वीडियो और सारा कुछ था, लेकिन उतना नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है, वेलकम टू दीमापुर। जी हाँ गाइस, आप लोग को मेन एड्रेस बताते हैं, जो भी वीडियो ये लोग देख रहे हैं अगर मणिपुर आना चाहते हैं, सबसे पहले मणिपुर के लिए तो भाई कोई स्पेशल ट्रेन है नहीं मणिपुर में, क्योंकि एक भी रेलवे स्टेशन है ही नहीं। इसके लिए सबसे पहले जो है आप लोग को ये नागालैंड में जो है वो दीमापुर स्टेशन पड़ती है। स्टेशन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे दो तीन प्लेटफॉर्म भी हैं और अच्छा है, तो दीमापुर पहले आ सकते हैं मणिपुर से। अच्छी कहीं से भी आते हैं तो पहले आप लोग को नागालैंड में दीमापुर आना पड़ेगा, यहाँ से फिर आप लोग को ऑटो मिलेगा, टैक्सी मिलेगा, बस मिलेगा। मणिपुर के लिए फिलहाल कोई भी बस नहीं चलती है यहाँ पे, और जो भी मिलेगी आप लोग को टैक्सी ही मिलेगी, और मतलब जो भी रहता है वो बस सर्विस यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। टैक्सी होती है विंगर, जिसको बोलते हैं 14 सीटर वाला, वो विंगर मिलने देखने के लिए मिलता है, यही सब रहता है। यहाँ से आप लोग को जो है मणिपुर ले जाएगी, तो क्या बोलते हैं कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, ये सारा कुछ बॉर्डर इसका क्रॉस करते हुए तब जाके जाती है। भाई सच बता रहे हैं, आज भी मणिपुर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल जो है एकदम पहाड़ी इलाका है, एकदम पहाड़ी इलाका। यदि मणिपुर से आप लोग को विंगर ले सकते हैं, देख सकते हैं विंगर, यहाँ पे ये पार्किंग है, यहाँ पे विंगर ही लगा हुआ सारा चारों बगल जितने भी देख सकते हैं, यहीं से आप लोग देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है बस सर्विस अवेलेबल नहीं है, बस सर्विस यहाँ पे बहुत ही कम अवेलेबल है, कम के बराबर। जितने भी जाते हैं वो सभी विंगर से ही जाते हैं। विंगर की अगर प्राइस करें तो 700 रुपया पर हेड, यानी एक व्यक्ति का जो है 700 रुपीज़ वो लगती हैं, और
आप लोग को यहाँ पे टिकट वो काउंटर पे जाके टिकट करवानी पड़ती है, वो भी भाई 800 का बनाते हैं टिकट, बट लेते हैं फाइनली 700 रुपये यहाँ से मणिपुर तक का। बस यही सब था तो आप लोग को जानकारी देते, अगर कोहिमा के लिए लेते हैं तो कोहिमा बस भी जाती है, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो मेरा मेन एक ही मानना रहेगा कि आप लोग दिमापुर स्टेशन आइए, यहाँ से आप लोग को विंगर टैक्सी ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा।